युवाओं को नशे की ओर धकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, पीएम मोदी का बड़ा आरोप। हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में दावा। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में किसका राज, जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों में से बीजेपी को 27 से 31 सीट का अनुमान, कांग्रेस को 11 से 15 सीटें। बंगाल में 10 साल की बच्ची का शव मिला, परिवार बोला रेप के बाद हत्या हुई, भीड़ ने चौकी फूकी, अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की, इस तरह से 9.4 करोड़ किसानों के बैंक खाते में कुल 20,000 करोड़ रुपए बांटे। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में 68% से ज्यादा वोटिंग, 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में खिलेगा कमल या आएगा पंजा, हरियाणा में शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग। हरियाणा में कई जगहों पर झड़प, नारंद में कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस समर्थकों में मारपीट। 5 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े मामले में एक्शन। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी, महंत यति नरसिंहानंद पर मौलाना फिरंगी महली ने सरकार से एक्शन लेने को कहा। पैगंबर मोहम्मद पर की टिप्पणी, यति नरसिंहानंद के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई, कमिश्नर से मिले ओवैसी। संविधान को नष्ट करके शिवाजी महाराज के सामने झुकने का फायदा नहीं, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी में रेलवे ट्रैक पर रखा था 6 मीटर लंबा सरिया, इमरजेंसी ब्रेक लगाते लगाते जा फंसा इंजन में। संजौली मस्जिद की 3 मंजिले अवैध घोषित, कोर्ट ने 2 महीने में दिया ढहाने का आदेश। 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। गुजरात के वडोदरा और राजकोट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंडिगो एयरलाइन के सिस्टम में तकनीकी खराबी, देश भर में उड़ाने प्रभावित, घंटों लाइन में लगे रहे यात्री। पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा, इमरान खान के समर्थकों ने घेरी संसद, सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। मुंबई में सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना 77,670 रुपए तोला। लखनऊ में आईआईटी जी की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र ने की सुसाइड, 8वीं मंजिल से कूदा।